हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मिशन का नाम है स्मार्टफोन रखते। जो आज के वीडियो में हमने टाइटल भी देख लिया होगा, यस गाइस, क्योंकि अभी मैंने यस्टरडे एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी प्लस रिव्यू वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले। अब इंस्टॉलेशन 2 दिन पहले बनाई थी, रिव्यू यस्टरडे बनाई थी कि मीटर का एक नया अपडेट आउट हुआ था एंड्रॉइड की। तो उसके बाद गाइस जो अब आज का टॉपिक है, आपने टाइटल देख लिया होगा अगेन कि आज है फ्लाइमी ओएस कैसे इंस्टॉल करना है। इस फ्लाइमी ओएस है उसको कैसे इंस्टॉल करना है हमारे mi/mi5x में, उसी की एक तरह से आपकी इंस्टॉलेशन वीडियो होगी। जानता होगा मैंने पहले भी जब हम बैक गए थे, जब मी एंड पे थे, तब भी मैंने गाइस एक इंस्टॉलेशन वीडियो बना रखी है फ्लाइमी एट पे। बट गाइस वो प्रोसीजर है ना यार, बहुत लंबा है। वो कम से कम 20 से 25 मिनट की इंस्टॉलेशन वीडियो थी और प्रोसीजर बहुत लंबा था कि आपको क्या बोलूँ मैं। बहुत कुछ सिस्टम से डिलीट करना था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक फाइल फ्लैश करनी है, आपकी रोम होगी और आपका जीएप्स हो गया, डेट्स ऑल। बट बिफोर डैट गाइज यू हैव टू कन्वर्ट योर डिवाइस फ्रॉम mi1 to mi5x, डेट्स ऑल। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इंस्टॉलेशन जो कन्वर्टिंग प्रोसीजर की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इधर गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम डेटा, इंटरनल वेंडर कैची, सब कुछ आपने सेलेक्ट करना है यार, क्योंकि वेंडर तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ए पार्टीशन है। अब मतलब सॉफ्टवेयर वाइज देखा तो आपका वेंडर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लीन फ्लैश भी कर देना, और सॉरी फैक्ट्री सर्वर और फर्मेडेटा का, इसमें जानता हूँ फर्मेडेटा ही भाई आपको करना पड़ेगा, पूरा क्लीन फ्लैश यहाँ पे रिकमेंडेड है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपकी रोम बूट नहीं होगी। क्योंकि अब ये GSI नहीं है, इसको हम GSI वो होती है जब हम फोन को टेरेबल बनाते हैं, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर हमने mi1/mi5x को टेरेबल नहीं बनाया, आपको पता होगा, सिर्फ उसको कन्वर्ट करा, तो ये कोई GSI नहीं, ये तरह से रोम कहलाई जाएगी। ओके, सो ये सब फॉर्मेट डेटा सब कुछ मतलब क्लीन फ्लैश करने के बाद आपने बैक आना, बैक आने के बाद इंस्टॉल में जाना। इंस्टॉल में जाने का एरिया आपकी रोम जो आपकी फ्लाइमी एट, हाँ पाए है भाई, .zip क्यू अभी प्रोसेसिंग में है, एक तरह से आप कह सकते हो। अभी इसमें थोड़े बग्स हैं, जैसे आपकी फ्लाइमी ओएस होगी, ZU होगी, अभी क्यू में चल रही है, प्रोजेक्ट है। सो उसमें अभी थोड़े यहाँ पे आपके बग्स हैं, तो वो भी आपको सून मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपकी यहाँ पे रोम फ्लैश हो रही है, सो वेट एंड वॉच। फर्मवेयर यहाँ पे आपका फ्लैश हो रहा है, फिर सिस्टम हाँ बूट सिस्टम, सो वेट करते हैं गाइस। सो गाइस रोम यहाँ पे आपकी सक्सेसफुल फ्लैश हो चुकी है विद आपका जो आपका मैसिक इंस्टॉलर है, 20.1 है, बहुत भाई ओल्डर वर्जन है, तो हम अपडेट कर लेंगे जिस सिस्टम में बूट होंगे। सो ये सब करने के बाद अब हमें एक बार रिबूट टू यहाँ पे हमने सिस्टम करना है। सो इट्स नॉट रिबूट टू सिस्टम, रिबूट टू रिकवरी, क्योंकि हमें GApps अभी फ्लैश करना है ना, हाँ प्ले स्टोर से रिक्वायर होगा, तो ऑब्वियसली भाई GApps हमें फ्लैश करना होगा। सो फटाफट रिबूट टू रिकवरी करते हैं, सॉरी सिस्टम नहीं रिकवरी। सो बस रिबूट टू रिकवरी करने का फटाफट इंस्टॉल में जाना, जो हमारी लास्ट फाइल अभी बची है आपका GApps हो गया। क्योंकि गाइस आपको पता होगा, मानता हूँ यार ये सारी चीज़ें मेन पे भी अवेलेबल हैं, बट यार जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ZUI, फ्लाइमी, ये सारी गाइस मेन पे अवेलेबल, बट इन अ फॉर्म ऑफ GSI है। आपको पहले फ़ोन को टेरेबल करना पड़ेगा, फिर GSI, फिर सिस्टम में से कुछ ये सब डिलीट करनी पड़ेगी, तो समझ गए ना। मतलब इधर आपको सिर्फ कन्वर्ट करने के बाद आपको म्यूटल एंड्रॉइड की यूज़ करनी वो कर सकते हो, हाइड्रोजन वेस पाई करनी ये पाई वो करनी वो यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लैमी पाई करनी वो भी कर सकते हो, ZU11 भी अवेलेबल है, तो बहुत कुछ करना है, ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कि भाई कन्वर्ट करा तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जो मैंने कहा आपके पास मेरा वर्ड है कि भाई अपडेट्स आपको मिलेंगे, अगर आप म्यूटल एंड्रॉइड क्यू पे हो तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो ये अब फटाफट यहाँ पे हम GApps फ्लैश कर देते हैं गाइस, यहाँ पे आपका GApps फ्लैश हो रहा है, सो वेट एंड वॉच। पार्टीशन का एरर मतना है, क्योंकि इतना GB का तो है नहीं, सो पार्टीशन का कहीं एरर नहीं आ रहा है, जो आता था कोड 70 वो इधर नहीं है, क्योंकि इतनी तो भाई स्पेस थी सिस्टम पार्टीशन में। सो अभी इधर आपका इंस्टॉलिंग कोर ऐप्स हो रहा है, सो वेट एंड वॉच। सो GApps गाइस यहाँ पे आपका सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। सो अब हमने यह करना है थोड़ा पीछे, हाँ रिबूट टू गाइस हमने यहाँ पे सिस्टम कर देना, डू इंस्टॉल, डेट्स ऑल। कुछ भी अब हम यहाँ पे ज़्यादा टफ प्रोसीजर नहीं है, हाँ टफ प्रोसीजर जब ऐसे भाई ऑब्वियसली थोड़ा कन्वर्टिंग में है, mi1 to mi5x, डेट्स ऑल। देखो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कन्वर्ट करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू यार, वो आपकी चॉइस है। mi1 पे भी रह सकते हो, हाँ आई नो वहाँ पे भी अच्छी स्टेबल रूम्स अवेलेबल है, कॉर्वस होगी, डॉफेस्ट होगी, पिक्सल एक्सपीरियंस होगी, बहुत वहाँ भी स्टेबल रूम्स आपको अवेलेबल है, अगर आपको अवेलेबल है बट अगर आपको म्यूटल एंड्रॉइड क्यू चाहिए और भी रोम चाहिए तो भाई फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे फटाफट आपका फ़ोन अब थोड़ा टाइम लगा बूट होने में, सो वेट एंड वॉच। फ्लाइमी का भी लोगो भी आएगा, सो फ्लाइमी का भी गाइस यहाँ पे आपका लोगो आ चुका है, सो भाई ये सेम ही है बिल्कुल, जैसे अब mi1 थे वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी फ्लाइमी का हो रहा था, ओएस आ रहा था, मतलब कहने का भी नहीं गया, उधर आपको फ़ोन को टेरेबल करना पड़ता था, फिर टेरेबल करने के बाद फ़ोन फ्लैश करने के बाद GSI, फिर थोड़ा मैं सिस्टम में ऐप्स ये सब थोड़े डिलीट करने पड़ते थे फाइल मैनेजर में जाके, तो प्रोसीजर गाइस वो बहुत लेंथली था, मतलब बहुत बड़ा था वो प्रोसीजर। इधर सिर्फ आपको रोम फ्लैश करनी है, GApps, डेट सॉल्व, खत्म।
आई मीन पहले कन्वर्ट करा, फिर जो भी अगर आपको रोम चूज़ करनी है आप कर सकते हो, देन रिबूट टू सिस्टम, मतलब फ्लैश करने के बाद आई मीन डेट्स ऑल, कोई हमें फ़ोन को ट्रेबल नहीं करना, कुछ नहीं करना। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा बूट होने में, 7 से 8 मिनट लेंगे, इट विल टेक सम टाइम अप्रॉस 7 to 8 मिनट्स, सो वेट एंड वॉच। हाँ मानता हूँ पाए है भाई, बट स्टिल यार स्टेबल होएगी, इतना मेरे से आप रिटर्न में ले सकते हो कि स्टेबल होएगी। सो गाइस रोम यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली बूट हो चुकी है। फॉरएवर गाइस यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे आपका कंटिन्यू इनिशियल सेटअप स्किप कर रहा हूँ, रीजन अपना भाई सेलेक्ट कर लो जो भी है, मैंने इंडिया वैसे ही हो रखा है डिफॉल्ट, और एग्री करते हैं। वाईफाई फटाफट गाइस स्किप, आई मीन इनिशियल सेटअप स्किप करता हूँ, वाईफाई कनेक्टेड सब करने के बाद मिलते हैं होम स्क्रीन पे। सो गाइस ये टोटल आपकी रूम फ्लेमी वॉइस। सो फटाफट यहाँ पे गाइस अभी तक तो ये पूरा हुआ है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, स्मूथ है, अच्छी है भाई, यहाँ पे मुझे तो कोई अभी तक प्रॉब्लम इसमें आई नहीं। देख भाई मैंने इसको यस्टरडे में इंस्टॉल करके देखा था ताकि भाई वर्किंग है कि नहीं, मतलब बूट हो रही नहीं हो रही कहने का मीनिंग है। सो फटाफट आपका ठीक है, यहाँ पे आपका प्ले स्टोर भी आ चुका है, ये रहा मैजिक मैनेजर जरा आपका आ गया क्योंकि हमने जी एप फ्लैश करा था। सो सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने का फटाफट गाइस अबाउट फोन में जाते हैं। अबाउट फोन में जाने के एंड्रॉयड वर्जन आपका ये रहा, एंड्रॉयड वर्जन 9। हाँ इनर सिक्योरिटी थोड़ा भाई बहुत पुराना है, 1st November 2019 का, बट स्टिल ठीक है यार, और तो ज़्यादा को कुछ नहीं मिलेगा इधर, तो फिर मेरा एमी नंबर हो जाएगा। सो ये गाइस है आपका मिफावैक्स क्वालकॉम वाई 625 4GB 3000mAh बैटरी 64, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, नीचे फिर मेरा एमी नंबर है, डेट्स ऑल, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है आपको। सिस्टम वर्जन वही आपकी फ्लाइमी है, देख सकते हो आप फ्लाइमी 8, और बस डेट्स ऑल गाइस, ये आपका अबाउट फ़ोन का है भाई। रिव्यूज़ को आपको ज़रूर मिलेगा, यूज़ करना कर सकते हो, अभी तक तो ऐसे अच्छी लग रही है, आपका इधर स्टेटस बार हो गया, प्ले स्टोर में लॉग रहेंगे सब कुछ आप हो रहा है, और बहुत स्टेबल है ये फ्लाइमी ZUI, ये सबसे स्टेबल रोम थी, मतलब अगर मियन की बात करें सबसे स्टेबल GSI थी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, बट इसमें भी अगर आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत अल्टरनेटिव्स हैं आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम MIUI टू MIUI X, बहुत रोम्स आपके पास अवेलेबल हैं, सारी वीडियो बना रखी है और एक एक करके बना भी रहा हूँ। ओके गाइस, सो ये टोटल वीडियो थी इंस्टॉलेशन वीडियो, अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, गाइस वीडियो को भी शेयर करना भूलना, फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।